मंचावर बसलेले भाजपा शिवसेनेचे सगळे नेतागण, अकोलाचे बंधू भगिनी, सगळ्यांना माझे नमस्कार। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है, लोकतंत्र का एक पर्व होता है, और इस लोकतंत्र के पर्व में राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है कि वे जनता के बीच जाएं, लोगों को प्रशिक्षित करें, अपना मत बताएं, उनका मत परिवर्तित करने का प्रयास करें, और यह भी आवश्यक होता है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच सरकार में बैठे हुए लोगों ने क्या काम किया है उसका वो जनता जनार्दन को हिसाब दें। चुनाव ये जनता का सरकारों से हिसाब मांगने का अवसर होता है, लेकिन मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूं चुनाव का माहौल गर्माया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार और महाराष्ट्र की सरकार अपने कामों का हिसाब देने को तैयार नहीं। क्या लोकतंत्र में उनका दायित्व नहीं है कि जनता जनार्दन को जवाब दे? लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टी बातें सुना रहे हैं। उन्होंने वादा किया था महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम की। उन्होंने वादा किया था 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, और अभी एक महीने पहले प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 5 लाख लोगों का रोजगार चला गया। अरे देने की तो बात छोड़ो, था वो भी चला गया। कैसे लोगों को दोबारा लाएंगे? ऐसी दुर्बल सरकार को बिठाएंगे? अब जो आडवाणी जी ने कह दिया कि हिंदुस्तान में कभी भी इतनी दुर्बल सरकार इस देश ने देखी नहीं है, ऐसा दुर्बल प्रधानमंत्री नहीं देखा है, तो पूरी कांग्रेस में हड़कंप हो गया। कोई मुझे बताए मित्रों, क्या दिल्ली की सरकार को कोई मजबूत सरकार बोल सकता है? देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कांग्रेस का कोई नेता मजबूत नेता मानने को तैयार है? आप अकोला में जाइए, मेरे पत्रकार मित्रों को प्रार्थना करता हूं, छोटा सा काम कीजिए मेरे लिए। आप अकोला में जाकर के 100 कांग्रेस के नेताओं को एक सवाल पूछिए, 100 कांग्रेस के नेताओं को, उनको पूछिए देश का नेता कौन है, कांग्रेस के लोगों को। मैं भाजपा वालों की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के लोगों को पूछिए। मित्रों, मैं दावे से कहता हूं अकोला में से एक भी कांग्रेसी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम नहीं बोलेगा। अगर कांग्रेस के लोग भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश का नेता नहीं मानते हैं तो ये हिंदुस्तान उनको सबल नेता कैसे मानेगा? पूरी कांग्रेस एक परिवार को समर्पित है, उस परिवार की जय हो बस, और कुछ नहीं, इसी काम में लगे हैं। इस चुनाव के अंदर एक तरफ मैडम सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और
टूटा फूटा यूपीए चुनाव के मैदान में है, दूसरी तरफ तीसरा मोर्चा है और एक और अडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए है। ये तीनों चित्र साफ है। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए है, लेकिन यूपीए में अब कौन बचा है ये खोजना मुश्किल है। दिल्ली सरकार में जितने मंत्री बैठे हैं सब राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यूपीए में जो लोग कैबिनेट के मंत्री हैं वे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर रहे हैं। वाह क्या सीन है, ऐसा अद्भुत सीन देखा है। कैबिनेट में बैठे हैं लेकिन मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ है तीसरा मोर्चा। यहां के अकोला के पत्रकार बड़े सीनियर पत्रकार हैं, काफी लोगों के बाल पक चुके हैं। मेरी एक प्रार्थना है भैया, जरा ये तीसरे आज मेरी सभा के बाद ये सभी पत्रकार मित्र एक 10 मिनट जरा बैठ लें, बैठ करके सूची बनाएं कि तीसरे मोर्चे में कौन दल है और कौन नहीं है। नहीं बना पाओगे, पता ही नहीं चलता है भाई ये तीसरा मोर्चा है क्या चीज, उसका मुंह कहाँ है, पूंछ कहाँ है, पैर कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तीसरा मोर्चा ऐसा है, मोर्चे में भी मोर्चा, उसके ऊपर भी मोर्चा, मोर्चे के लिए भी मोर्चा, मोर्चे के कारण भी मोर्चा, न जाने मोर्चों का भी मोर्चा, किसी को पता ही नहीं चल रहा उसका माँ बाप कौन है, इसको जन्म कौन देता है, रोटी पानी कौन देता है। ऐसे ही खड़ा हो जाता है, चुनाव समाप्त होने के बाद वो दूसरी गलियारों में घुस जाते हैं। और तीसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, भाजपा शिवसेना युति जैसे मजबूत कदावर लोगों का संगठन, ये ताकत है। इस चुनाव में साफ है एक तरफ परिवारवाद है, दूसरी तरफ अवसरवाद है, और तीसरी तरफ अडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद है। निर्णय देश को करना है, राष्ट्रवाद के साथ चल करके हिंदुस्तान के भविष्य को बनाया जाए। भाइयों बहनों चुनाव में निर्णय करना है, इस देश को वोट बैंक की राजनीति क्या लेके चलना है कि इस देश को विकास की राजनीति पर चलना है। वोट बैंक की राजनीति ने 60 साल हिंदुस्तान को तबाह करके रखा है। विकास की राजनीति के बिना इस देश का भला नहीं होगा, और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपके पास आया, विकास का मंत्र लेकर के आया, विकास की दिशा में देश को ले जाने के लिए अडवाणी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों गुजरात आपके सामने उदाहरण है, इतने कम समय में आज गुजरात इतना आगे कैसे निकल गया। हम तो वरना महाराष्ट्र के छोटे भाई हैं, हम महाराष्ट्र का हिस्सा थे, कुछ साल पहले अलग हुए और महाराष्ट्र हमेशा बड़ा भाई रहा हमारा। क्या कारण है, क्या कारण है गुजरात आगे निकल गया और यहाँ सारा हाल वैसा का वैसा रह गया। ये नेता के ये लोग जिम्मेवार, ये वोट बैंक की राजनीति जिम्मेवार है, जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान को तबाह करके रखा है।